हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आज का वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी गाड़ियों की हेल्थ और आपके इंजन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे पेट्रोल और पेट्रोल टाइप्स की, किस किस किस्म के पेट्रोल्स आते हैं, हाई ऑक्टेन, लो ऑक्टेन, और आपको किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि एक स्कैम तो है। अब ये स्कैम क्या है, इसको हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप लोग अपना आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है, तो आपने पेट्रोल स्टेशन जाते हैं उसको फिलअप करने के लिए, तो कई बार आपको स्पीड या हाई पावर करके तमाम जो पेट्रोल कंपनीज हैं इंडिया में जो प्रोवाइड करती है पेट्रोल, आपको मिल जाएगा, प्रीमियम फ्यूल जिसको कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं। इनको ये लगता है कि जो प्रीमियम पेट्रोल अगर भरवाएंगे, जो हाई ऑक्टेन है या हाई पावर है या मतलब प्रीमियम है, उससे आपकी गाड़ी की हेल्थ और उसके इंजन की हेल्थ इम्प्रूव होगी। नाउ दिस इज़ अ मिसकंसम्पशन। वो इसलिए क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, अगर आप किसी भी कार मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे और अगर उनके अगर आप जब टैंक खोलते हैं या मैनुअल बुक पढ़ते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा अनलेडेड फ्यूल ओनली। नाउ मोस्ट पीपल दे गो और उनको लगता है कि प्रीमियम में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, माइलेज बढ़ेगा, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, एक दूसरी तरफ का पहलू ये भी है कि जो पेट्रोल कंपनीज हैं, कई बार आपको लेबल लगा देती है ये प्रीमियम है, लेकिन आपको बेच रही होती है नॉर्मल वाला पेट्रोल। और एक कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पेट्रोल पंप का जो एक यूनिट होता है, हर एक यूनिट जहां से पंप होता है पेट्रोल, वहां पे अगर उसका अटेंडेंट नहीं रहेगा तो वो आपको बोलेंगे आप जाके प्रीमियम से बढ़वा दीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल वाला पेट्रोल है उस पे नहीं है। तो आपको उस स्थिति में पेट्रोल बिल्कुल नहीं भरवाना है, अनलेडेड ही भरवाना अगर आपकी गाड़ी अनलेडेड लेती है। Now let me explain कि अनलेडेड और प्रीमियम में फर्क कितना है और क्या फर्क है और किस गाड़ियों में प्रीमियम जाना चाहिए और किस गाड़ियों में अनलेडेड नॉर्मल पेट्रोल जाना चाहिए। अच्छा, पहले इसको पकड़ लेते हैं कि जो अनलेडेड पेट्रोल होता है वो हाईली, जितनी भी मास प्रोडक्शन कार्स हैं, जो रेगुलर चलने वाली गाड़ियों, उन सब में आपको ये मिल जाएगा, अनलेडेड पेट्रोल ही रिकमेंडेड रहता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। अब जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल होते हैं, हाई पावर वाले जो पेट्रोल होते जो पेट्रोल होता है, वो मेंट होता है हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स के लिए, जैसे कि जो जिनके पास सिलेंडर्स ज़्यादा हों, और वो आपको मिल भी जाएगा उनकी उनके मतलब मैनुअल बुक में भी आपको मिल जाएगा, और जब आप फ्यूल लिड खोलेंगे उसमें भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नाउ लेट्स फॉर एग्जाम्पल, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू योर इंजन अगर आप अनलेडेड, जो नॉर्मल अनलेडेड पेट्रोल वाले इंजन में आप हाई ऑक्टेन या हाई पावर वाला डाल देते हैं। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो ऑक्टेन होता है, जो हर इंजन में जो ऑक्टेन होता है, उसको पंप करने के लिए बेसिकली अगर आप हाई वैल्यू का पेट्रोल डाल देंगे जिसमें एडिटिव्स हैं, और वो इंजन आपका जो है वो सिर्फ अनलेडेड ले सकता है या उसका ट्यून अप ऐसे हो रखा है, तो उसमें चांसेस ये रहते हैं कि आपके इंजन में, क्योंकि वो पेट्रोल को उसको जब पेट्रोल का फंक्शनिंग हो रहा होता है, पिस्टन्स चल रहे होते हैं, तो पेट्रोल बर्निंग होता है, तो पार्टिकल्स कहीं कहीं रह जाते हैं, एंड दैट कैन कॉज डैमेज टू योर इंजन। वहीं पर अगर आप अनलेडेड से भी नीचे वाला पेट्रोल डालते हैं उसी इंजन में, जो अनलेडेड पेट्रोल का इंजन है, उसमें भी ये दिक्कत आ सकती है, आपके इंजन को इफेक्ट हो जाएगा, आपकी माइलेज गिरेगी और तमाम किस्म की चीज़ें होंगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल या हाई पावर पेट्रोल डालने से माइलेज बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जितनी भी मार्केटिंग्स होती हैं, जितनी भी पेट्रोल कंपनीज मार्केटिंग करती हैं, ये इनका एक ट्रिक है, एक किस्म का स्कैम है कि आपको आप एक्स्ट्रा पैसा भरिए और आपको प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है। प्रीमियम पेट्रोल या हाई ऑक्टेन पेट्रोल या हाई पावर पेट्रोल, ऑडी जैसी गाड़ियाँ जिनमें सिलेंडर्स ज़्यादा आते हैं, या प्रीमियम जैसे BMW वगैरह, उनमें वैसे ही लिखा आता है कि इसमें प्रीमियम फ्यूल ही आप डालिए। फॉरेन में जब हम पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं तो आपको क्लियरली इंडिकेट्स हो जाता है, इंडिकेशंस मिल जाते हैं आपके हर एक पंप पे, और क्योंकि वहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है तो पीपल फिल अप देयर ओन पेट्रोल। सो इन द एंड ऑफ द डे उसमें क्लियरली लिखा होता है कि ये अनलेडेड है या पावर है या जो भी है, डीजल है, जो भी है, उसमें क्लियरली। अब इंडियन
पेट्रोल स्टेशन्स में कई बार ऐसा भी होता है कि इन द एंड ऑफ द डे लिखा नहीं होता है, वो आपको कह देते हैं कि ये पावर वाला है, ये स्पीड वाला है, ये यू नो एक्स वाई जी है, और आप जो है उसमें एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं और भरवा लेते हैं, या फिर अगर अटेंडेंट नहीं रहा तो भी आप भरवा लेते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। ऐसा कोई सच कोई मजबूरी नहीं है, कोई भी पेट्रोल पंप आपको मना नहीं कर सकता है। अगर भी लेट से जो नॉर्मल अनलेडेड पेट्रोल का जो पंप है उस पर अगर अटेंडेंट नहीं है तो ये प्रॉब्लम पेट्रोल पंप की है, आपकी नहीं। आपको पेट्रोल चाहिए और आपको चाहिए अनलेडेड, क्योंकि आपकी गाड़ी सिर्फ अनलेडेड ले सकती है, तो आप वहीं पे इंसिस्ट कर सकते हैं, काइंडली इंसिस्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट डन, ये अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पेट्रोल हैज़ टू बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। सो इन द एंड ऑफ द डे हमारे साथ ये कई बार ऐसा हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि नॉट दैट आई एम रिकमेंडिंग यू डू दिस, हम लोगों ने प्रीमियम पेट्रोल भरवाया है बट उससे कोई हमें ज़्यादा माइलेज नहीं मिला, ना कोई कम मिला, ना आई डोंट रिकमेंड दैट। हम लोग तो टेस्टिंग के लिए करते हैं, ऑफकोर्स गाड़ियाँ रिव्यू करते हैं तो हम लोग डाल देते हैं, उसमें हमें पता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हमें सपोर्ट कर देंगे, थोड़ा अगर कोई इशू आ जाएगा तो गाड़ी में उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो आई डोंट रिकमेंड दैट यू डू दैट। अगर आपकी गाड़ी के लिड पे लिखा हुआ है अनलेडेड तो प्लीज़ अनलेडेड पेट्रोल नॉर्मल वाला ही डालिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। माइलेज आपका निकलेगा आपकी ड्राइविंग हैबिट से, आपके ड्राइविंग स्टाइल से। सो फोकस ऑन हाउ यू आर ड्राइविंग द कार एंड हाउ बेस्ट यू कैन पुश योर कार रादर देन मेंटेनिंग अ गुड स्पीड एंड देन गेटिंग गुड माइलेज नंबर्स। अगर आप इस धोखे में रहेंगे कि अगर हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालेंगे या हम प्रीमियम पेट्रोल डालेंगे तो उससे माइलेज बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये ट्राई टेस्टेड कर चुके हैं और ऐसा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ जस्ट अ वे दैट द कंपनीज पेट्रोल कंपनीज मेक मनी। नाउ एक इम्पॉर्टेंट ऑल फैक्टर आता है जब आप पेट्रोल भरवाते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस कर जाते हैं, डेंसिटी। पेट्रोल की डेंसिटी को हमेशा चेक कीजिएगा, इट शुड बी ऑलवेज इन एंड अराउंड अंडर 80 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 80 से ऊपर होगा तो उसका मतलब ये है कि पेट्रोल की डेंसिटी या क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो 80 के नीचे इज़ अ गुड डेंसिटी टू हैव, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। दूसरी चीज़, अगर आपको डेंसिटी नहीं मिलती है पंप पे और अगर आपको पेट्रोल पंप अटेंडेंट ये कह देता है कि वो लिखा हुआ है वहाँ पे, आप उस पे भी नहीं मत जाइए। आप उनको ये बताइए कि द लॉ क्लियरली स्टेट्स दिस, एनी पेट्रोल पंप एंड एवरी पेट्रोल पंप आउट देयर हैज़ टू हैव 3 इंडिकेटर्स राइट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, जो कि है आपका पेट्रोल लेवल, जो आप भर रहे हैं गाड़ी में उसका कॉस्ट क्या है और डेंसिटी क्या है, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट द लॉ के अगर आपको वो बोले के बोर्ड पे जाके पढ़ लीजिए। और तमाम किस्म की चीज़ें ये भी होती है कि आपको वो कैश पेमेंट के लिए फोर्स करते हैं, सो प्लीज़ अगेन इफ यू आर पेइंग डिजिटली पे डिजिटल, बिकॉज वी आर इन अ डिजिटल यू नो इंडिया राइट नाउ, एंड आपको वो मना नहीं कर सकते हैं। आप पेट्रोल भरवाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि नहीं हम सिर्फ कैश में लेंगे, ये आपका राइट है। आप उनका हेडेक होता है कि वो कैसे आपकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। Now, if you have any further questions, please do let us know in the comments below and we will endeavor to answer you. But please know the difference, right? Agar bhi let's say aapke fuel lid pe unleaded nahi likha hai, I think personally what I would do is go back to the owner manual, jo aapko aapki gaadi ke saath mili hogi, digital format mein ya manual format mein, paper book ya paper bag jisko kehte hain, us pe jaake padhiye, usme saaf saaf likha hota hai ki kis kisam ka petrol aapki gaadi legi, right? Do not fill the wrong type of petrol in your car thinking ki aapko mileage better milega, aisa kuch bhi nahi hai, ya engine ki performance better hogi, aisa kuch bhi nahi hai, alright? Now, once again, is video, aaj ki video mein bas itna hi tha, jaane se pehle subscribe, like, share, comment, ghanta daba dijiyega. We'll see you in the next video now. Bye.